नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होगी और विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है कल। जी हां, कई विधायक मंत्री बन सकते हैं छत्तीसगढ़ में। कल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। कई विधायक मंत्री बन सकते हैं और कल ही हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार कल संभव हो सकता है। कई विधायक मंत्री बन सकते हैं और कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार सबको था और खबर यह है कि कल विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई विधायक मंत्री बन सकते हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगाने के लिए जानी जाती है। सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के नाम पर हमने देख लिया किस तरीके से सभी समीकरणों को साधा गया। क्या लगता है कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सभी समीकरण साधे जाएंगे? शायद इसलिए वक्त लगा बीजेपी को इतना, अभिषेक? बिल्कुल, देखिए जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो ये हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में संभव है और ये मंत्रिमंडल जो है राजभवन में शपथ ले सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है और लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है कि कल शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा, लेकिन जो हलचले हैं, जो संकेत हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल यहां पर राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है और जो मंत्री हैं साय मंत्रिमंडल के नए मंत्री वो शपथ ले सकते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो सकता है, ये टेंटेटिव टाइम सामने आ रहा है। तो राजभवन में ये मंत्रिमंडल का जो गठन है, जो विस्तार है वो हो सकता है। हालांकि पहले भी कई बार अटकलें हुई हैं, आई हैं सामने कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन होना तय है, जो कि राजभवन में कल हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस बारे में या उसके नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो सूत्र हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का गठन छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो राजभवन में पूरी तरह होना है। किरण देव की जहां तक बात है, आज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को क्योंकि नया मिल गया है, कल ऐसी चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव दिल्ली जा सकते हैं, तो अभी फिलहाल जो अपडेट है कि ये हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो दिल्ली जाएं। तो फिलहाल का अपडेट यही है कि कल शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हो सकता है। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन लोग होंगे, ये जो चेहरे में जो संभावनाएं जताई जा रही थी, संभावित नाम जताए जा रहे थे, वही अभी तक सबके पास है। पुष्टि किसी को नहीं हुई है, फोन भी अभी तक बताया जा रहा है कि किसी के पास पहुंचा नहीं है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है। हो सकता है कल सुबह तक आए या देर रात तक फोन ऐसे लोगों के पास यहां पर आए, लेकिन आनंद फानन में यह तय हुआ है। कोई पहले से बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं थी, बताया जा रहा है कि आनंद फानन में ऐसे संकेत मिले हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है कल होना है। तो कल पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या कल औपचारिक और आधिकारिक रूप से बीजेपी इस बात की घोषणा करेगी या फिर ये भी सिर्फ अटकलें ही साबित होगा। बिल्कुल, फिलहाल अटकलें हैं अभिषेक ये, लेकिन क्या संकेत मिल रहे हैं कि किस तरह का स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का, किस तरह का स्वरूप होगा कि जो बीजेपी की सरकार जब थी, पूर्व मंत्री थे, क्या उनको फिर से जगह मिल सकती है या फिर एक पूरा नया ही मंत्रिमंडल हमें छत्तीसगढ़ में नजर आएगा जिस फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है, जिस फॉर्मूले पर बीजेपी चल रही है? देखिए, बीजेपी के बारे में अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो लोगों के बीच चर्चाएं थी, किरण देव उन तमाम अटकलों से हटकर नाम सामने आए। किरण देव के रूप में क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं चर्चा तो थी, लेकिन वो अध्यक्ष बन सकते हैं प्रदेश की ये चर्चाएं नहीं थी। तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम जैसे ही घोषित हुआ सभी चौंक गए और
उसके बाद तमाम समीकरण पर ध्यान देने लगे, लेकिन पहले से अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। यहां तक कि भाजपा के बड़े नेता भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि किरण देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। कल अचानक किरण देव को बुलाया गया और अब से थोड़ी देर बाद किरण देव वापस लौट रहे हैं राजधानी रायपुर। तो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन होंगे, इसको देखकर अब सभी सशंकित हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो जिस प्रकार के फैसले ले रहा है तो उसका अंदाजा लगा पाना पहले से थोड़ा मुश्किल यहां पर हो रहा है। और चर्चा की अगर बात करूं, संभावित मंत्रिमंडल की बात करूं, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है उसको देखते हुए, तो नए और पुरानों का कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल में हो सकता है जो चर्चा है उसके मुताबिक। और 10 मंत्रियों की जगह भी बाकी है, तो हो सकता है कि 10 न करके 7 ठीक, ठीक बात अभिषेक, आपने ठीक बात कही कि बीजेपी क्या करेगी, कैसा सोचेगी, मंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, ये इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है अपने फैसलों से। बहुत धन्यवाद, फिलहाल अपडेट यही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस हार पर मंथन करेगी, मैराथन मंथन इसे कहा जा रहा है, क्योंकि कल से 2 दिनों तक मंथन होगा कांग्रेस का। 23 और 22 ये 2 तारीख हैं, 22 और 23 दिसंबर को राजीव भवन में बैठक होगी। पहली बैठक में कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे, पहली बैठक में पूर्व मंत्री विधायक रहेंगे, शाम 4 बजे ये बैठक होगी। और 23 दिसंबर को सुबह से एक और बैठक शुरू होगी, संयुक्त महामंत्री सचिव की ये बैठक होनी है, जो कि 23 दिसंबर से होगी। तो कल से 2 दिनों तक मंथन का दौर कांग्रेस में चलेगा, मैराथन मंथन इसे कहा जा रहा है। 22 और 23 दिसंबर को बैठकें कांग्रेस में राजीव भवन में होनी है। पहली बैठक में पूर्व मंत्री विधायक रहेंगे, शाम 4 बजे कांग्रेस की बैठक। 23 दिसंबर को सुबह से दूसरी बैठक शुरू होगी, संयुक्त महामंत्री और सचिव इस बैठक में रहेंगे। करारी हार पर कांग्रेस अब मंथन करेगी, मैराथन मंथन इसे कहा जा रहा है। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। ममता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। ममता, करारी हार के बाद अब एक ही विकल्प है कांग्रेस के पास, मंथन करने का, मैराथन मंथन इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन करने वाली है। क्या कुछ और अपडेट फिलहाल ममता? बिल्कुल, देखिए कल शाम को कांग्रेस जो है वो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। जो निलंबन हुआ था सांसदों का उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन है। उसके बाद में शाम को 4 बजे बैठक होगी राजीव भवन में, और जो कार्य समिति के जो लोग हैं वो शामिल होंगे इसमें। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसके बाद कल 11 बजे बैठक होगी, जिसमें जो विधायक जिनकी उस समय के जो सिटिंग MLA हैं जिनकी टिकट काटी गई थी उनकी बैठक भी रखी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और दिलचस्प बात है। जो जिन 22 लोगों की टिकट काटी गई थी वो लगातार लॉबिंग कर रहे थे और लगातार एक साथ बैठ करके मंथन कर रहे थे, और उनमें से कई जो विधायक हैं वो दिल्ली तक भी दौड़ लगा आए थे, जिसमें से विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह जो है उनको निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए थे। बहुत शुक्रिया ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए ममता आपका बहुत धन्यवाद। सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है, जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। माननीय, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है माननीय, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटर समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस, अब 0 FIR और EFIR हो पाएगी, और FIR का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय, फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं, हमने ICGS के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी FIR का डेटा
ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इंप्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। माननीय नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन सारथी और देश भर के सारे CCTV कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसमें से मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं माननीय 82% काम बिल पारित होने के पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी 18% है वो भी एक साल में हो समाप्त। जो लोग कहते हैं कब आएगा कब? भाई ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केंद्र सरकार के बड़े फैसले की। सेंट्रल पूल में चावल खरीदी को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 15 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगा केंद्र। सीएम के अनुरोध पर केंद्र की सहमति यहां पर मिली है। उसने चावल खरीदने का आग्रह किया था। सीएम साय ने पीयूष गोयल को एक लेटर लिखा था इसको लेकर और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। सेंट्रल पूल में चावल खरीदी को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 15 लाख मीट्रिक टन चावल अब केंद्र खरीदेगा। सीएम विष्णुदेव साय के अनुरोध पर केंद्र ने सहमति दे दी है। उसने चावल खरीदने का आग्रह किया था। सीएम साय ने पीयूष गोयल को एक लेटर भी लिखा था इसके बारे में और केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, सेंट्रल पूल में चावल खरीदी को मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की। 15 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगा अब केंद्र। सीएम विष्णुदेव साय के अनुरोध पर केंद्र ने सहमति दे दी है। उसने चावल खरीदने का आग्रह किया था सीएम साय ने और इसको लेकर पीयूष गोयल को एक पत्र भी लिखा था, लेटर भी लिखा था, जिसको सहमति दे दी है केंद्र सरकार ने। मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की, सेंट्रल पूल में चावल खरीदी की मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुरोध किया था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, सीएम ने अनुरोध किया, वहां से मंजूरी मिल गई, बड़ा फैसला केंद्र का। जी बिल्कुल, देखिए धान लेकर के पहले भी पूर्ववर्ती सरकार और बीजेपी के बीच हमेशा तनातनी रहती थी और उसरा चावल नहीं लेने का आरोप लगाया लगातार जाता था, लेकिन अब उसके लिए जो 15 लाख मैट्रिक टन उसना चावल खरीदे की जो सहमति है, स्वीकृति है, वो भारत सरकार द्वारा मिल गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुरोध किया था। और कस्टम मिलिंग के चावल के साथ साथ जब उसना जो चावल है उसे भी खरीदा जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी इसे बात कही जा सकती है और केंद्र सरकार ने फिलहाल इसकी जो स्वीकृति दे दी है तो इससे साफ जाहिर है कि
जो कस्टम मिलिंग के चावल के अलावा जो उसना का जो चावल है उसे भी केंद्र सरकार लेगी और एक बड़ी राहत इसे कही जा सकती है। साथ ही एक राजस्व की जो बड़ी आय है वो भी सुनिश्चित की जा सकती है। युगल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी आलाकमान ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में अब तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे अरुण सावके राज्य में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन जाने के बाद पार्टी ने प्रदेश संगठन में बदलाव करने का फैसला किया। जगदलपुर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और पहली बार जीत कर विधानसभा पहुंचने वाले किरण सिंह देव को पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंप। प्रदेश स्तर पर कम चर्चा में रहे किरण सिंह देव की बस्तर के बड़े नेताओं में गिनती होती है। किरण सिंह देव इससे पहले नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का पत्र जारी किया जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उधर जैसे ही किरण सिंह देव को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया कांकेर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पटाखे फोड़कर ढोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और जश्न मनाया। गलत तो नहीं बोला था ना? गलत तो नहीं बोला था ना? नहीं। जैसे ही किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने उन्हें बधाई दी। अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने एक युवा ऊर्जावान और पूरे प्रदेश को जानने वाले नेता के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज हमारे जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं किरण देव जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किरण देव जी एक अनुभवी नेता है, प्रदेश महामंत्री जैसे अन्य संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वे कर चुके हैं, जगदलपुर के महापौर भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अनुभवी और ऊर्जावान नेता को पार्टी की प्रदेश की कमान केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है। मुझे भरोसा है कि हम उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में सभी 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बीजेपी नेता राजेश मूणत ने भी किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक सुलझे हुए कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी है। एक वनवासी को सीएम बनाया है तो दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। किरण सिंह देव नई ऊर्जा नए उमंग के साथ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की घोषणा की है। हमारे साथ मूणत जी हैं। मूणत जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव होंगे, कैसे इनको देखते हैं? बहुत अच्छे, एक ऊर्जावान युवा साथी, एक वनांचल क्षेत्र से मुख्यमंत्री, एक वनांचल क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जो लगातार संघर्ष का सहायक रहा है, वहां का महापौर भी रहा है जगदलपुर का, आज का वर्तमान विधायक भी है और पूरे प्रदेश में संगठन के लिए दौड़ता रहा। हमें खुशी है कि हमारा साथी इस प्रदेश का अध्यक्ष बना है। नई ऊर्जा नई उमंग के साथ 2024 के लक्ष्य को लेकर के 11 के 11 सीटें भाजपा की इस छत्तीसगढ़ में आए, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए किरण देव जी आए, हम उसका स्वागत करते हैं। क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति भी है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी बस्तर से? नहीं, रणनीति नहीं है, एक अच्छा सुलझा हुआ नौजवान जिसमें ऊर्जा है उमंग है। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लगातार संघ मेरे साथ में 2000 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरा साथ अध्यक्ष थे, एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में काम करने वाला व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा था महापौर भी रहा, विधायक बनकर के आया है और पूरे प्रदेश को घुमा हुआ व्यक्ति है। खाली एक ब्लॉक को घुमा होता ऐसा नहीं, वो पूरे प्रदेश को घूम चुका प्रभारी के रूप में, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे जसपुर हो, चाहे हमारा इधर का पूरा दुर्ग जिला हो, यहाँ तक के वो प्रवास कर चुका है। इसलिए एक अच्छा संगठनकर्ता के रूप में पार्टी ने दिया उसका नाम, बहुत अच्छा है। पार्टी के संगठन को एक युवा ऊर्जा के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ मूणत जी थे और एक ऊर्जावान कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। खुशी जाहिर यहाँ पर वो कर रहे हैं कि एक काम करने वाले कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने उचित स्थान दिया। कैमरन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। इस वक्त की बड़ी खबर, कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, कल मंत्री शपथ लेंगे। खबर ये है कि 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई
कल विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कल कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर ये है कि 7 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जैसे कि संकेत मिल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, सुबह 11:30 बजे 7 मंत्री शपथ लेंगे, कई नए विधायक मंत्री बन सकते हैं। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। सीएम के नाम केदार में चौंका दिया, 2 डिप्टी सीएम बनाए, उसमें भी बीजेपी ने सबको चौंकाया और कल मंत्रिमंडल का विस्तार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल, जुड़े हुए हैं फोन पर। अभिषेक, अब कंफर्म हो गया है कि 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह? जी बिल्कुल, देखिए कल राजभवन में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये तय हो गया यहाँ पर। और इसके साथ ही जो तमाम अटकलें थी कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब छत्तीसगढ़ में मंत्री बनेंगे, इन तमाम अटकलों पर एक तरीके से विराम लग गया है। 11:30 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसमें जो नए मंत्री हैं वो यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। अब मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं और 1-2 जो जगह है, जो 10 मंत्रियों को अभी शपथ लेनी है उसमें से 1-2 जगह खाली छोड़ी जा सकती है, वो शायद लोकसभा के बाद भरी जाए। तो 7 से 8 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर है और राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह कल 11:30 बजे हो सकता है। हालांकि बीजेपी अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन 11:30 बजे शपथ ग्रहण होना है ये लगभग यहाँ पर तय हो चुका है। बिल्कुल अभिषेक, वो कौन कौन से विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है, लेकिन क्या संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी चौंकाएगी मंत्रिमंडल के विस्तार में? अभिषेक, एक बार सवाल फिर से सुमित दोहराएंगे। बिल्कुल अभिषेक, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है, तो क्या हम मान के चलें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। अभी तक के जो फैसले हुए हैं वो फैसले बता रहे हैं कि कुछ ऐसी तरीके का मंत्रिमंडल हो सकता है, चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व चौंका रहा है अपने फैसलों से। अंदाजा लोग जिन नामों का लगाते हैं या जो नाम चर्चा में आते हैं आमतौर पर वो नाम इसमें शामिल होते नहीं दिखे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर चर्चा में आ जाते हैं तो वो नाम सामने नहीं आते, तो सभी के अपने अपने कयास हैं, चर्चाएं हैं कि ये नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन नए पुराने का कॉम्बिनेशन होगा ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल नया मंत्रिमंडल नहीं होगा, पुराने लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये पुराने लोगों की संख्या कितनी होगी ये एक कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से चेहरे और कितने चेहरे पुराने जो है जो पिछले 15 सालों के दौरान मंत्री रहे हैं उनको इसमें जगह मिलती है, लेकिन संकेत यही है कि अनुभव और जोश, युवा जोश, सभी को मौका मिलेगा, क्षेत्र वाइज भी और जातिगत समीकरण भी तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं जी कि ये कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद। अभिषेक बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।